हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसा केमिस्ट्री। तो हमने अब तक आइसोमेरिज्म एंड नोमेनक्लेचर के सारा का सारा खत्म कर लिया है और मैं बहुत सारे बच्चों से रिक्वेस्ट पा रही थी कि आप सेकेंड ईयर का वाला कोर्स शुरू करिए, तो मैं आज सेकेंड ईयर वाला कोर्स शुरू करने जा रही हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे क्या, हेलो एल्केस एंड हेलो एरिस। ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका सेकेंड ईयर के कोर्स के, ठीक है। तो हेलो एल्केस एंड हेलो एरिस है क्या, जो मैं नोमेनक्लेचर के टाइम में भी आपको ये बता चुका हूँ। ओके, हेलो मतलब ये हेलो वाला नहीं है, ये हेलो मतलब है हैलोजन का कोई भी मतलब एटम लगा होगा। अगर जैसे कि नाम क्या है, हेलो एल्केन्स, मतलब अल्केन जो भी होगा अल्केन के साथ क्या लगा होगा, हैलोजन एटम लगा होगा। लेकिन देखो क्या है, जैसे कि कोई भी CH3 CH3, ये क्या है हमारा इथेन है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम एग्जांपल ले लें, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा दो, ठीक है, और क्या करेंगे, कोई भी हैलोजन, हैलोजन को हम क्या करते हैं, एक्स से डिजाइनेट करते हैं, ठीक है। एक्स मतलब हैलोजन, हैलोजन में क्या क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, जो कि है हमारा क्या, ग्रुप 17 एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं क्या, हैलोजन एटम। तो हैलोजन में से अगर कोई लगा हो, नॉर्मली क्या होता है, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन नहीं लग सकता क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, मतलब इस बॉन्ड को ही ब्रेक कर लेगा, वो स्टेबल नहीं हो सकता, जो कंपाउंड निकल के आएगा वो स्टेबल नहीं होगा, वो क्या करेगा, इस एटम को ही मतलब कंपाउंड को ही पूरा मतलब बिखर के रख देगा, ठीक है। तो फ्लोरीन वाला नहीं होता, क्या क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये तीनों करते हैं हमारा कंपाउंड। तो क्या होगा, देखो कोई भी हाइड्रोजन को हटा के लगा दो हमारा क्या, हैलोजन एटम, चाहे ये क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, कोई भी हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्या, हेलो एल्केन्स। तो इसके हिसाब से अगर क्लोरीन लगेगा तो उस नाम के हिसाब से क्या है, हेलो एल्केन, उसी तरह के बनेगा फ्लोरो एल्केन। अगर ब्रोमीन लग गया तो ब्रोमो एल्केन, अगर आयोडीन लग गया तो आयोडो एल्केन, उसी तरह से लगेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बहुत इजी सा मतलब चैप्टर है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत नई नई कंसेप्ट के थ्रू आएंगे। तो अगर आप हम मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता है मैं नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म का चैप्टर पढ़ा रही थी अभी तक, तो वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन के थ्रू आएंगे और उस रिएक्शन के मेकेनिज्म भी हम देखेंगे। आपको जेई लेवल तक भी तो पढ़ना है कि नहीं, सिर्फ मतलब बोर्ड के लिए नहीं, और भी ज्यादा पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपको बस ऐसे देखते नहीं रहना है, नोट भी करते रहना है, ठीक है, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब ये ऊपर ऊपर से ही चला जाएगा, आपको लगेगा कि आप समझ रहे हो लेकिन याद कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप नोट करते जाओ, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, आपको पता चल गया कि हेलो एल्केन्स क्या है। ओके, तो हेलो एल्केन्स के बारे में बता देती हूँ, हेलो एल्केन्स क्या है, अगर एरोमेटिक रिंग के साथ अगर हमारा लगा होगा हैलोजन एटम, तो उसको हम बोलेंगे हेलो एल्केन, ठीक है। तो पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं, किस तरह के मतलब हमारे पास कौन कौन से तरह के हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स प्रेजेंट है, वो देखते हैं पहले, फिर जाएंगे हम प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज के तरफ, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन, जैसे कि आप नोमेनक्लेचर के टाइम पे भी देखे होंगे कि बहुत सारे कंपाउंड है मतलब हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स का, जैसे कि मतलब कोई भी मतलब हाइड्रोकार्बन हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन से, ऐसे नहीं कि सिर्फ एल्केन्स का ही है, ऐसा नहीं है, एल्किन का भी है हेलो कंपाउंड एंड अल्काइन का भी है, उसी तरह। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन में पहले आता है हाइब्रिडेशन के हिसाब से, तो देखो हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 बन गया, कार्बन की नॉर्मली क्या है, डी तो है नहीं, तो कार्बन यहाँ पे कर रहा है ना, कार्बन के साथ बॉन्ड हो रहा है, तो कार्बन क्या कर सकता है, sp3 sp2 और sp, ये थ्री टाइप्स के वो हाइब्रिडेशन करता है, ठीक है। वो डी वाला कुछ नहीं है, आपको हाइब्रिडेशन अगर पता हो तो आपको याद होगा कि sp से लेके हमारे sp3 d3 तक हाइब्रिडेशन पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कार्बन के पास तो डी है नहीं, तो इस तीन तरह के हमारे पास हाइब्रिडेशन आए थे, sp3 sp2 और sp। और आपको मैं एक क्लास में बता भी चुकी हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा, देखते ही कि ये क्या है, sp3 है या sp2 है या sp है, आपको याद होगा, फिर भी शॉर्ट से आपको बताते हुए जा रही हूँ। देखो अगर आपके पास कार्बन के जो चार बॉन्ड है, आपको तो पता है कार्बन क्या करता है, चार बॉन्ड बनाता है, अगर चारों के चारों अगर सिग्मा हो, चारों के चारों सिग्मा, 4 सिग्मा, तो ये क्या बनेगा, sp3, तो 3 सिग्मा एंड 1 pi, अगर चार जो बॉन्ड है उसमें से अगर चारों के चारों सिग्मा है तो sp3 बनेगा, अगर 3 सिग्मा 1 pi आ गया तो ये क्या बनेगा, sp2, अगर 2 सिग्मा
अगर 2 सिग्मा एंड 2 पाई बन गया तो ये क्या बन जाएगा, sp। ठीक है, ये तीनों आपको याद होगा, एक वीडियो में बता भी चुकी हूँ। तो इसके साथ हम देखेंगे कि हमारा जो भी अल्केन होगा, हालो अल्केन होगा, हालो कंपाउंड जो भी होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसको लेके भी एक तरह की क्लासिफिकेशन हो सकता है। देखो sp3 का पहले देखते हैं। अगर sp3 का मतलब देखो CH4 अगर ले लें, ठीक है, CH4 है कि नहीं। तो CH4 जो है कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये तीनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन को हटा के हमने कोई भी हैलोजन एटम लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो कार्बन है ये एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ एक हैलोजन एटम लगा है, तो ये क्या बन गया, sp3 हाइब्रिडाइज क्या है, हेलो अल्केन बन गया। ठीक है, तो अगर sp2 का देखेंगे, तो अगर sp2 का एग्जांपल है क्या होगा, एक डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 का देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, इस कार्बन को देखो या इस कार्बन को देखो, क्या है यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे एक सिग्मा आ रहा है, एक पाई आ रहा है कि नहीं। तो एक सिग्मा एक पाई, और ये दोनों जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो हमेशा सिग्मा ही करेगा, है कि नहीं। तो ये इस कार्बन को अगर देखेंगे, यहाँ इसके लिए 3σ1π और इसके लिए भी 3σ1π, कैसे, ये दो हाइड्रोजन 2σ और बीच में एक सिग्मा और ऊपर एक पाई, हो गया। तो इस दोनों जो कार्बन है इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन को हटा के अगर हम हैलोजन एटम लगा दें, तो ये क्या बन गया, sp2 हाइब्रिडाइज हैलो अल्केन। हैलो अल्केन नहीं, एक हाइड्रोकार्बन बनेगा, क्योंकि ये क्या है, अल्केन तो है नहीं, ये अल्किन बन गया ना, है कि नहीं, तो एक हाइड्रोकार्बन के हैलो डेरिवेटिव बनेगा। ओके, तो sp अगर देखेंगे, sp में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, क्योंकि देखो अगर ट्रिपल बॉन्ड है मतलब एक हो गया सिग्मा और दो बन गया पाई, है कि नहीं, एक बन गया सिग्मा और दो बन गया पाई, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो या कार्बन हो जो भी हो, अगर सिंगल बॉन्ड लग रहा है तो सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा है, ओके, सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो या कोई भी कार्बन हो, ठीक है, तो ये बन गया क्या, 2σ एंड 2π, तो sp हाइब्रिडाइज बन गया। अगर इस यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन को हटा के हम लगा दें क्या x, मतलब ये है क्या sp hybridized के साथ हम x लगा दिए, मतलब हैलोजन लगा दिए, तो ये क्या बन गया, sp hybridized कार्बन के साथ लगा है, तो ये बन गया इसका हेलो कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे और एक बात बताते हुए जाऊंगी, देखो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड था हम जो sp2 hybridized वाला बना रहे थे, अगर यहाँ पे जो डबल बॉन्ड जिस कार्बन के साथ लगा है वहां पे अगर डायरेक्टली एक हैलोजन ग्रुप अटैच हो, तो उसको हम बोलते हैं विनाइल। क्या बोलेंगे, विनाइल, मतलब ये जो रिंग है, ये जो मतलब ग्रुप होगा, इसको हम बोलते हैं विनाइल। तो याद रखते हुए जाना, अगर C डबल बॉन्ड C के साथ डायरेक्ट कोई भी हैलोजन लगा है, तो उसको हम विनाइल बोलेंगे, विनाइल हैलाइड। ओके, मतलब अगर क्लोरीन लगा है तो बनेगा क्या, विनाइल क्लोराइड, इस तरह से, ठीक है, अगर क्लोरीन लगा है विनाइल क्लोराइड, अगर ब्रोमीन लगा है तो विनाइल ब्रोमाइड, इस तरह से बनेगा। अगर और एक बात क्या है, अगर C डबल बॉन्ड C है, उसके साथ है किसी है एंड उसके साथ लगा है X, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच था और यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड X के बीच में एक C आ गया, लेकिन और एक कार्बन आ गया, इसको हम बोल देंगे क्या, एलाइल। क्या बोलेंगे, इस ये जो ग्रुप है इसको बोलेंगे हम एलाइल। समझ में आया, ठीक है, तो ये बन गया क्या, विनाइल, एंड ये बन गया क्या, एलाइल। याद करते हुए जाना, कभी कभी क्या होता है, उसके IUPAC नेम की जगह पे क्या लगा देता है, ये सारे कॉमन नेम से, विनाइल हो, एलाइल हो, ये सारे कॉमन से, कॉमन नेम है, और ये वाइडली यूज होता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में आया होगा विनाइल है एलाइल, आपको पता ही नहीं होगा कि विनाइल एलाइल है क्या, ठीक है, इसीलिए मैं बताती हूँ जा रही। तो याद रखना क्या है, विनाइल मतलब डबल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड जो कार्बन होगा, डबल बॉन्ड जिस कार्बन से लगा होगा उससे डायरेक्टली अटैच होगा, तो उसको बोलेंगे विनाइल। और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड के पास में एक कार्बन है और उस कार्बन में मतलब हैलोजन लगा है, ठीक है, याद आ गया, विनाइल एंड एलाइल। फिर हम जाएंगे टाइप्स ऑफ कार्बन को लेंगे, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कार्बन में क्या आता है, देखो हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, ठीक है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, ये क्या है, हमारे नॉर्मल अल्केन्स हमारे पास है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री अल्केन्स के लिए, ठीक है। तो अल्केन क्या होता है, 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, ये है टर्शियरी एंड है
क्वार्टरनरी, ये चारों तरह की हमारे पास है कार्बन कंपाउंड, मतलब हमारे पास है अल्केन्स। अगर प्राइमरी है तो उसका मतलब क्या है, देखो एक कार्बन के साथ लगा होगा, जो भी कार्बन होगा ये एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा। टू डिग्री मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी का क्या है मतलब दो कार्बन के साथ डायरेक्टली लगा होगा, ठीक है। टर्शियरी का मतलब क्या होगा, तीन कार्बन के साथ लगा होगा। एंड क्वार्टरनरी का मतलब ये है कि चार कार्बन के साथ लगा होगा, ठीक है। तो अगर इस प्राइमरी के साथ मतलब जिस कार्बन के साथ लगेगा हैलोजन एटम, वो अगर प्राइमरी कार्बन एटम हो तो उसको बोलेंगे हम प्राइमरी हैलो एल्केन। समझ में आया क्या बताया मैंने, अगर एक प्राइमरी कार्बन एटम हो और उसके साथ एक हैलोजन लगा हो तो उसको बोलेंगे हम क्या, प्राइमरी हैलो एल्केन। अगर सेकेंडरी हैलो एल्केन किसको बोलेंगे, ये जो कार्बन के साथ दो लगा है कार्बन उसके साथ एक हैलोजन लग गया, ठीक है, इसको बोलेंगे हम क्या, सेकेंडरी। और टर्शियरी का मतलब क्या है, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। टर्शियरी का मतलब क्या है, जिस कार्बन के साथ वो हैलोजन एटम लगेगा वो क्या होना चाहिए, एक टर्शियरी कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो क्वार्टरनरी है यहाँ पे कहाँ पे भी स्पेस नहीं है, मतलब जो टर्शियरी कार्बन है ये है, ये नहीं है। आपको ये मत समझ लेना कि यहाँ पे एक हैलोजन लगा दो ये क्वार्टरनरी बन गया, नहीं ये नहीं है, क्योंकि कार्बन ये जो है ये है क्वार्टरनरी, ये बीच वाला कार्बन है कि नहीं, इस कार्बन को चारों कार्बन लगा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यहाँ पे तो कोई हैलोजन लगेगा नहीं, है कि नहीं। तो क्वार्टरनरी जो है, क्वार्टरनरी एल्केन हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। समझ में आया, ये थ्री टाइप्स है हमारे क्या, टाइप्स ऑफ कार्बन को लेके। समझ में आया, तो हम जाएंगे अब नेक्स्ट की तरफ। और यहाँ पे देखो हैलो एल्केन एंड हैलो एल्केन्स का अगर देखेंगे हम, नंबर ऑफ हैलोजन एटम हम यहाँ पे एक एक लगाते हुए जा रहे थे, वो ज्यादा भी हो सकता है, मतलब डाई हैलोजन कंपाउंड हो सकता है, ट्राई हैलोजन कंपाउंड हो सकता है कि नहीं। अब तक जहाँ जो भी हमने किए, एक हैलोजन था उसको हम बोलते हैं क्या, मोनो हैलो कंपाउंड, मोनो हैलो कंपाउंड, ठीक है, ओके। तो अगर डाई हैलो आ गया, क्या हो गया, डाई हैलोजन, मतलब दो हैलो एटम होगा। तो एग्जांपल देखो, अगर एक कार्बन है यहाँ पे दो हैलो ग्रुप लगाए, मतलब ClCl हो या ब्रोमीन हो और यहाँ पे बाकी दो CH2 है, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे एक कार्बन में दो लगा है, ठीक है। अगर हम कार्बन एटम बढ़ा देते हैं, दो कार्बन है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे ClCl हो सकता है और क्या हो सकता है, यहाँ पे डिफरेंट कार्बन एटम में Cl हो सकता है। यहाँ पे क्या था, सिर्फ CS मतलब CH4 में से दो हाइड्रोजन हटा के हमने दो Cl लगा दिया, यहाँ पे क्या हो गया, दो कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक कार्बन एटम में दो Cl लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कार्बन में कंजुगेटेडली हम लगा सकते हैं पास पास में Cl एटम। तो इन दोनों को का डिफरेंट नाम है, क्या है, अगर एक कार्बन में दो हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो इसको हम बोलेंगे जेम डाइहैलाइड, क्या, जेम डाइहैलाइड। अगर यहाँ पे जो दो ग्रुप है वो डिफरेंट कार्बन प्रेजेंट है, पास पास में डिफरेंट कार्बन प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे रिसिनाल, क्या बोलेंगे, रिसिनाल डाइहैलाइड। समझ में आया, अगर एक कार्बन में प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे हम जेम डाइहैलाइड, अगर डिफरेंट कार्बन में प्रेजेंट हो पास पास में इस तरह से तो इसको बोलेंगे क्या, विसिनल। समझ में आया, तो ये गया डाई हैलो। ट्राई हैलो अगर आ गया तो देखो, अगर इस तरह से CH मतलब क्या करेंगे, अगर CH4 हमारे पास हो तो थ्री हाइड्रोजन को हटा के हमें हैलोजन लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा, CHCl3, ये बनेगा CHCl3। अगर ब्रोमीन हो तो क्या बनेगा, CHBr3, है कि नहीं। अगर आयोडीन हो तो क्या बनेगा, CHI3, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हैलो फॉर्म, कोई भी अगर हैलोजन प्रेजेंट हो तो इसको बोलेंगे हम हैलो फॉर्म, क्या बनेंगे, हैलो फॉर्म। तो इस तरह से अगर क्लोरीन प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं हम क्लोरोफॉर्म, अगर ब्रोमीन प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म, अगर आयोडीन प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे हम आयोडोफॉर्म। समझ में आया, ये तीनों नाम याद करो, क्योंकि ये सारे नाम ना यूज होते हैं, कॉमनली यूज होते हैं। अगर आप बोलेंगे कि ट्राई क्लोरो एंड मीथेन बोलेंगे तो भी ठीक है, लेकिन वो जो IUPAC नेम है उससे ज्यादा हमारा क्या होता है, कॉमन नेम ज्यादा यूज होता है। हम आप कहीं पे भी देखो यहाँ पे यूज हो रहा होगा क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ठीक है। इस तरह से हमें पता चलेगा कि मोनो है क्या, डाई है, ट्राई है, जो भी है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन मतलब हैलोजन एटम को देखेंगे, इस तरह से हमें पता चलेगा कि मोनो हैलो कंपाउंड है या डाई है या ट्राई है, कुछ भी। और इसके बारे में नोमेनक्लेचर में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ बहुत सारे, नोमेनक्लेचर कैसे करता है, IUPAC वाला टेंशन नहीं है,
आईपीएल से आपके हो जाएगा, जो भी कॉमन नेम जो यूज होता है वाइडली उसके बारे में भी बता दी जाऊंगी, ठीक है। तो ये जेम है, क्या है जेम का मतलब, एक कार्बन में दो हैलोजन लगा होगा, रिसिनल का मतलब डिफरेंट कार्बन में लगा होगा, और जो ये तीनों अगर लगे, थ्री कार्बन लगे हैं एक कार्बन आइटम के साथ, मीथेन के मतलब यहाँ पे CaCl3, CsBr3 एंड CHI3, इसको हम बोलते हैं हैलोफॉर्म, अगर क्लोरीन हो तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म, इस तरह से, ठीक है। तो अब जाएंगे, अगर चारों के चार अगर हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्लोरीन लग गया, तो अगर देखोगे तो क्या हो गया, CCl4 अगर इस तरह से आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये है क्या हमारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अगर ब्रोमीन प्रेजेंट हो मतलब CBr4, अगर CCl4 की जैसे CBr4 हो तो इसको क्या बोलेंगे हम, कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड, अगर CI4 हो तो कार्बन टेट्रा आयोडाइड, इस हिसाब से, ओके। ये ना ये सारे नेम कॉमन यूज होते हैं इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। आपको आईपीएससी पता है, अच्छी तरह से पता है, जितने भी अगर CCl4 होगा आईपीएससी में क्या होगा, ये चार है एक कार्बन के साथ, चारों हैलो का मतलब हैलोजन लगा है, वो हैलो क्या है, क्लोरीन लगा है, अगर इसको हम देखेंगे आईपीएससी के हिसाब से, तो ये क्या बनेगा, 1111 टेट्रा क्लोरो मीथेन बनेगा, अगर आईपीएससी के हिसाब से हम जाएंगे। लेकिन इसका कॉमन नेम ना बहुत सारे बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो इसके लिए आपको बता रही हूँ, ये क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड एंड ये कार्बन टेट्रा आयोडाइड, समझ में आया, ठीक है। तो हम देखेंगे अब हैलो आयंस के बारे में, ओके, ठीक है। अगर हम देखेंगे हैलो आयंस के बारे में, तो हैलो आयंस क्या है, नॉर्मली एरोमेटिक कंपाउंड होता है, मतलब एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होता है, मतलब बेंजीन रिंग, नॉर्मली हमारे पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, बेंजीन जो है वो एरोमेटिक है, ठीक है। ये जो है बेंजीन रिंग, ये क्या है, एरोमेटिक है। तो अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई हैलोजन डेरिवेटिव हमारे पास प्रेजेंट, तो उसको हम बोलेंगे क्या, हैलोरे। तो इसके क्या है, टू टाइप्स है, जैसे कि न्यूक्लियर डेरिवेटिव, एक होता है न्यूक्लियर कंपाउंड, अगर बेंजीन रिंग के साथ देखेंगे हैलो आयरन का, ठीक है, न्यूक्लियर कंपाउंड एक है, और एक है साइड चेन डेरिवेटिव, क्या है, साइड चेन डेरिवेटिव, ओके। तो न्यूक्लियर कंपाउंड मतलब क्या है, जो बेंजीन न्यूक्लियस है उसके साथ डायरेक्टली अटैच होगा, तो उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियर कंपाउंड, मतलब ये जो बेंजीन न्यूक्लियस है हमारा, इसको हम इस तरह से भी दिखाते हैं, है कि नहीं, तो इसके साथ क्या होगा, डायरेक्टली अटैच होगा, क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो, जो भी हो, क्या होता, डायरेक्टली अटैच होगा, तो इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियर कंपाउंड। साइड चेन डेरिवेटिव का मतलब क्या है, अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई साइड में कोई भी कार्बन एटम प्रेजेंट हो, अगर यहाँ पे है कार्बन एटम कोई भी, ठीक है, और उसके साथ लगा हो हमारा हैलोजन, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, ठीक है, इसको बोलेंगे हम साइड चेन डेरिवेटिव, ठीक है, समझ में आया। तो क्या होता है, न्यूक्लियर में डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन के साथ, एंड यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ कोई भी कार्बन प्रेजेंट हो, कार्बन एक हो, दो हो, तीन हो, कोई बात नहीं, लेकिन बेंजीन रिंग अगर प्रेजेंट हो, उसके साथ कोई कार्बन के साथ हमारा हैलोजन एटम प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या, साइड चेन डेरिवेटिव, समझ में आया, है कि नहीं, ओके। तो और कुछ क्लासिफिकेशन इसका जो है देखते हैं, वो पहले जैसे कि हम हैलो एल्केन्स में देख रहे थे क्या, मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन, इसी तरह से हम यहाँ पे हैलो आयरन पे भी देखते हैं, इस तरह से देखो, ये हमारा बेंजीन रिंग है, ठीक है, नहीं यहाँ पे बेंजीन रिंग है, कितने कार्बन है, छह कार्बन है, यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छह कार्बन प्रेजेंट है, तो इन छह में से कहाँ पे भी आप हैलोजन ग्रुप लगा सकते हैं, कोई मतलब यहाँ पे एक हैलो है, ये है हमारे क्या, मोनो हैलो एल्केन, क्लोरीन है मतलब एक हैलोजन एटम है, तो ये क्या है, मोनो हैलो आयरन से, अब तो हम आयरन के बारे में पढ़ा रहे हैं ना, तो मोनो हैलो आयरन है ये, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा हैलोजन एटम आ गया, तो देखो किस तरह से, इस तरह से अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, यहाँ पे कोई क्लोरीन लग गया, ठीक है, तो क्या बन गया, ये डाई बन गया, दो है ना, है कि नहीं, तो ये डाई की थ्री टाइप्स है, क्या है, ये जो डाई हैलो कंपाउंड से हमारा, उसका थ्री टाइप से क्या क्या है, एक है हमारा ऑर्थो, एक है मेटा एंड फिर है पारा। तो व्हाट इज दिस ऑर्थो मेटा एंड पारा, देखो कार्बन मतलब यहाँ पे जो छह कार्बन प्रेजेंट है, तो उसको अगर हम नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे नंबरिंग करके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो यहाँ पे अगर हमारे दो हैलोजन क्या हो, यहाँ पे एक पे एंड दो पे प्रेजेंट हो, ठीक है, तो 1 2 अगर प्रेजेंट हो, तो ये बन गया क्या, ऑर्थो,
ये सिर्फ डाई फील डाई कंपाउंड्स के लिए है, ठीक है, ये डाई हैलोजन कंपाउंड के लिए। मतलब डाई हालो आपको देख आप यूज करोगे ऑर्थोमेटा पारा, देखो बेंजीन में कोई भी मतलब डबल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड अगर हो, मतलब दो जगह पे कोई भी मतलब सब्स्टिट्यूट लगा हो, तो आप ये ऑर्थोमेटान पारा नाम यूज कर सकते हो। आपको मैं अभी हेलो कंपाउंड्स के बारे में बता रही हूँ, तो देखो ऑर्थो अगर है तो 1-2 पोजिशन पे लगा होगा, अगर मेटा है तो 1-3, अगर पारा है तो 1-4। किस तरह से अगर तो इस कंपाउंड को अगर आप देखोगे तो क्या है, ये 1 पे है एंड 3 पे है, तो ये क्या है, मेटा है। क्या है, मेटा। ओके, अगर हम ऑर्थो के बनाएंगे स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे ये सीएल लगा है, यहाँ पे सीएल लगा है, ठीक है, ये क्या है 1-2 है कि नहीं, तो 1-2 का मतलब क्या है, ऑर्थो है। अगर पारा का देखेंगे तो पारा मतलब क्या है, 1-4 है, तो मतलब यहाँ पे लगेगा 2, ये है 1, 1, 2, 3, 4 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये बन गया पारा। तो ये है हमारा मेटा, ये है क्या ऑर्थो, एंड ये है क्या पारा। समझ में आया। और यहाँ पे और एक बात देखो, यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको आप ये मत समझना कि 1-6 है, नहीं, क्योंकि हमारे पास मेन रूल जो है क्या है, हमको इसे क्या है लोअर पोजिशन पे डालना है। तो अगर ये हम इस तरह से जाएंगे तो यहाँ पे 6 आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे अगर ये दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इस तरह से क्यों जाएंगे, हम इस तरह से जाएंगे ना, 1-2 बनेगा ये, तो 1-2 का मतलब क्या बन गया, ऑर्थो। तो अगर इस तरह से हो तो इसको ऑर्थो ही बनाएंगे, ये मत सोचना कि ये क्या हो गया 1-6 कैसे आ गया, नहीं ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे आपको बताऊं तो अगर पास में हो तो फिर जो भी ग्रुप हो, अगर हैलोजन के जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे हैलोजन ग्रुप, तो अगर पास में हो तो ऑर्थो बनेगा, अगर एक पोजीशन छोड़ के आ रहा है तो क्या है, ये मेटा बन रहा है, और जो ऑपोजिट है यहाँ पे अगर आ रहा है तो पारा आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। 1-2 ऑर्थो, 1-3 मेटा, 1-4 पारा, क्लियर। तो अब जाएंगे हम ट्राई हैलोजन कंपाउंड की तरफ। तो जैसे हमें अभी डाई का देखा, उस तरह से हम ट्राई टेट्रा एंड पेंटा एंड हेक्सा सब कर सकते, तो इसको हम नॉर्मली बोलते हैं क्या, पॉली, मतलब पॉली हेलो हेलो, ठीक है, जैसे हम पॉलीमर बोलते हैं, पॉली का मतलब क्या है, मेनी, तो बहुत सारे अगर प्रेजेंट हो तो एक के लिए हम मोनो यूज कर रहे हैं, दो के लिए डाई यूज कर रहे हैं, तो अगर दो से ज्यादा आ गया तो हम इसको पॉली हैलोजन बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 3 लगा सकते हो आप, 4 लगा सकते हो, 5 लगा सकते हो, ठीक है, इस तरह से ये 2 है मतलब ऑर्थोडॉक्स, यहाँ पे और एक लग गया ये तो ट्राई बन गया। अगर 4 आ गया तो क्या बोलेंगे हम उसको, टेट्रा बोलेंगे, है कि नहीं, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, टेट्रा बन गया, है कि नहीं। अगर 5 हो तो पेंटा बन गया, ठीक है, इस तरह से होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम काफी सारे मतलब डेरिवेटिव्स पढ़ लिए हैं, सिर्फ यहाँ पे एक और नाम आपको बताती हुई जाऊंगी जो है बेंजाइल। क्या है बेंजाइल, बेंजाइल का मतलब क्या है, जैसे मैं बता रही थी साइड चेन, ठीक है, साइड चेन जो मतलब डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे, जो हालो आयरन का उसका जो एक ग्रुप है, ये वाला ग्रुप देखो क्या है यहाँ पे, जैसे बेंजीन के साथ एक CH लगा है, मतलब एक कार्बन लगा है बेंजीन के साथ डायरेक्टली, अगर उस कार्बन के साथ हमारा कोई भी हाइड्रोजन एटम लगता है तो इसको हम बोलेंगे, इस ग्रुप को जो है उसको बोलेंगे हम बेंजाइल, ठीक है, क्या बोलेंगे बेंजाइल। अगर ये कंपाउंड हो, ठीक है, एंड यहाँ पे डायरेक्ट X लगा तो इसको बोलेंगे क्या, बेंजाइल हैलाइड। समझ में आया, ये नाम को आप हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं बेंजाइल ग्रुप को, तो बेंजाइल ग्रुप का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग, मतलब सिर्फ ये बेंजीन रिंग CH6, लेकिन बेंजाइल का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग के साथ एक पोजीशन पे हमारे क्या होगा, CH2 होगा। ओके, तो अगर CH2 को हटा के यहाँ पे कोई और लग गया, CH3 भी लग गया, तो हम उसको कह सकते हैं मिथाइल बेंजाइल हैलाइड, ठीक है, इस तरह से करेंगे। और एक नोमेनक्लेचर आपको बताती हुई जा रही हूँ, अगर आपके पास एक कार्बन प्रेजेंट है तो आपको उसको बेंजाइल बना दिया, लेकिन अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट हो, लेकिन इस तरह से 3 या 4 प्रेजेंट हो, यहाँ पे हैलो ग्रुप प्रेजेंट हो, तो इसको क्या करोगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो बेंजीन रिंग है इसको हम सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करेंगे, तो इसको क्या बना देंगे हम, फिनाइल। देखो जैसे हमें नोमेनक्लेचर पढ़ा रही थी, अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो भी मैं नाम आपको नहीं बता चुकी हूँ पहले से, तो वो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे बोर नहीं होने का, लेकिन आप सोचोगे हम तो रिएक्शन पढ़ने वाले थे, ये क्या नोमेनक्लेचर में घुस गए, इसलिए बता
रही हूँ क्योंकि ये सारे नाम अगर आपको गिवन होगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि ये नाम है किसका, और कोई बेंजाइल प्रेजेंट है तो आपको नहीं पता होगा बेंजाइल रूट है क्या, इसलिए आपको बताती हुई जा रही हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी हम इसके बाद ही हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन वगैरह, डोंट वरी खतार। ओके, तो फिनाइल करते हैं कि अगर हमारे पास एक लॉन्ग कार्बन चेन आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, हम ये बेंजीडिन को फिनाइल बना देंगे, सब्स्टिट्यूट के तरह से यूज करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट के मतलब कि अगर इसको हम देखेंगे तो नंबरिंग क्या करेंगे, यहां से कर सकते हैं 1 2 3 4 और यहां से कर सकते हैं 1 2 3 4। तो क्या करेंगे, लोअर पे डालेंगे, तो यहां से जाएंगे तो 1 और 3 आ रहा है और यहां से जाने पर 2 और 4 आ रहा है, तो हम किसको लेंगे, ऑब्वियसली 1 और 3 को लेंगे नोमेनक्लेचर के हिसाब से। तो ये क्या बन गया, 1 पोजीशन पे फिनाइल लगा है एंड 3 पोजीशन पे क्लोरो लगा है, तो अल्फाबेटिकल क्या आ रहा है, पहले सी आ रहा है तो क्लोरो, तो क्या कहाँ पे है 3 क्लोरो। ठीक है, 3 क्लोरो एंड 1 पोजीशन पे है फिनाइल, तो 1 फिनाइल। ठीक है, एंड कार्बन आइटम कितने हैं, 4 है, मतलब क्या है, ब्यूटेन। समझ में आया, ये क्या बन गया हमारा 3 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेन। समझ में आया, तो ये सारे थे हमारे क्लासिफिकेशन। ओके, तो हालो एल्केन एंड हालो आयरन की क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन। ठीक है, तो पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहले हम देखेंगे हालो एल्केन का, फिर जाएंगे हालो आयरन की तरफ। ठीक है, तो हालो एल्केन का हम देखेंगे अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो पहले हम एक इजी से करते हैं। देखो, जब शुरू की थी क्या बोला बताई थी मैंने, एक हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस आईएच करेंगे और प्लस एक्स करेंगे, तो हमें मिलेगा क्या CH3X, इस तरह से बता रही थी। ठीक है, अगर इस तरह की कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तो वो सबसे इजी होगा हमारे लिए, है कि नहीं। हाँ, इस तरह से एक प्रिपरेशन है हमारे पास, क्या करेंगे हम एक अल्केन को लेंगे और वहां पे क्या करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में हम कोई भी हैलोजन देंगे। ठीक है, तो हमारे क्या बनेगा, हालो अल्केन बनेगा। ओके, देखते हैं किस तरह से होता है। एग्जाम्पल अगर लेंगे हम, देखो यहाँ पे CH4। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Cl2 करेंगे, अगर हम क्लोरो कंपाउंड बना रहे हैं तो Cl2 करेंगे एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या कर रहे हैं हम, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करेंगे। तो सनलाइट एक रेडिएशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इस एनर्जी को यूज करके हमारे ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये क्लोरीन एटम क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को हटा के क्या करेगा, CH3Cl बनाएगा एंड जो हाइड्रोजन निकलेगा उसके साथ मिलके क्या बनेगा, HCl बनाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो मेथड है ये क्या होता है हमारे लिए, अगर हमको CH3Cl ही चाहिए, लेकिन पर यहाँ पे क्या होगा, अगर हम Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करेंगे तो इसका इल क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम Cl2 दे रहे हैं तो इसका मतलब कैपेसिटी ये है कि ये हाइड्रोजन को हटा के Cl बसा रहा है कि नहीं, तो इसके कैपेसिटी के हिसाब से ये क्या करेगा, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है कि नहीं, यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन है ये क्या कर सकता है, चारों के चारों को हटा के क्लोरीन लगा सकता है, तो हमें क्या मिलेगा, देखो CH3Cl के साथ साथ CH2Cl2 भी मिलेगा, CHCl3 भी मिलेगा एंड CCl4 भी मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको वाइडली, मतलब अगर हमको एक ही टाइप के कंपाउंड चाहिए, अगर CH3Cl चाहिए तो हम इसको ज्यादा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड मिक्स होके आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड कैसे आ रहे हैं देखते हैं हम। देखो क्या है यहाँ पे हमारे पास CH4 इस तरह से है, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, है कि नहीं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, Cl2 दे रहे हैं, HNu अगर लिख रहे हैं हम तो HNu का मतलब सनलाइट है। ठीक है, तो देखो Cl2 अगर हम दे रहे हैं तो Cl2 इस तरह से है कि नहीं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे बॉन्ड का मतलब 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे जब हम HNu के प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में जब हम हैलोजन ग्रुप देते हैं तो ये क्या कर रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा, क्या करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो आपको तो पता नहीं है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता क्या है, देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहाँ पे होता है, अगर हमारा होमोलिटिक फिजन हो, तो होमोलिटिक फिजन क्या है फिर, देखो सारे के सारे बताते हुए जा रही हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। देखो अगर हमारे पास 2 एटम प्रेजेंट हो जिसका कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आइदर 0 हो या बहुत कम हो, तो हम क्या करेंगे वहां पे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए, एक बॉन्ड का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो ये क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, देखो इस तरह से बनेगा, क्या होगा ये, C डॉट एंड C डॉट,
इस तरह से क्यों बन रहा है? देखो यहाँ पे जो कार्बन एंड कार्बन है ये क्या है, सेम है ना, सेम एटम प्रेजेंट है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगा। तो इस बॉन्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन जितना फोर्स में मतलब खींच रहा होगा, ये कार्बन उतनी फोर्स में खींच रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वली डिविजन होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इक्वली डिवाइड होता है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये इसको ये जो बनाएगा, इसको हम इस जो एटम बनेगा यहाँ पे जो डॉट डॉट है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बनेंगे हम फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल। पर अगर हमारा क्या है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है तो क्या बनेगा, अगर हमारे पास CCl बॉन्ड हो, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम कोई भी रिएक्शन दे रहे हैं तो यहाँ पे होगा होमोलिटिक, नहीं यहाँ पे होगा हेटेरोलिटिक, यहाँ पे होगा होमोलिटिक, जो इक्वल टाइप के हो मतलब इक्वली अगर ब्रेक हो रहा हो बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे क्या, हम होमोलिटिक फिजन, क्या बोलेंगे, होमोलिटिक फिजन बोलेंगे। ठीक है, फ्यूजन मतलब क्या, ब्रेकिंग, तो होमोलिटिक हो रहा है मतलब इक्वली ब्रेक हो रहा है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा आ रहा हो तो इसको क्या बोलेंगे हम, हेटेरोलिटिक फ्यूजन, क्या बोलेंगे, हेटेरोलिटिक फ्यूजन। ठीक है, तो होमोलिटिक हेटेरोलिटिक में डिफरेंस क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आया क्या फ्री रेडिकल, लेकिन हेटेरोलिटिक फ्यूजन में क्या होगा, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो एक के पास चला जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा था, इक्वली डिवाइड हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, लेकिन हेटेरोलिटिक में क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन एक के पास चला जाएगा और जिसके पास गया उसका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और जिससे गया मतलब इसका भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर था, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर था, है कि नहीं, तो अगर दोनों के दोनों एक ले जा रहा है तो इसका इसके पास क्या हो गया, डिफिशियंट हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसके पास पॉजिटिव आ गया, और जो लेके गया उसके साथ ज्यादा हो गया, तो ये नेगेटिव बन गया। ठीक है, तो हेटेरोलिटिक फ्यूजन में क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन होमोलिटिक में क्या होगा, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत मतलब उसका डिफरेंस बहुत कम है, क्योंकि कार्बन का है 2.4 एंड इसका है 2.1, तो बहुत कम डिफरेंस है। और अगर हम सनलाइट दे रहे हैं तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करेगा, ये होमोलिटिक प्रेजेंट करेगा। ठीक है, होमोलिटिक का मतलब क्या, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा। ओके, तो इसको साफ कर लेती हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे इस तरह से CH, H, H एंड यहाँ पे डॉट, ये बनेगा। ठीक है, एंड ये जो H निकल के आया ये बनेगा S डॉट, जिस तरह से यहाँ पे C डॉट एंड C डॉट बना रहे, तो यहाँ पे क्या है, इस तीनों हाइड्रोजन को लेके इस कार्बन के पास एक डॉट आ गया एंड इस हाइड्रोजन के पास एक डॉट आ गया, ये डॉट का मतलब क्या है, फ्री रेडिकल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एस न्यू की वजह से जो क्लोरीन एंड क्लोरीन है ये भी तो सेम एटम है कि नहीं, ये भी क्लोरीन ये भी क्लोरीन, तो यहाँ पे भी क्या होगा, होमोलिटिक फिजन होगा, तो यहाँ पे भी Cl डॉट एंड Cl डॉट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो Cl डॉट है ये इसके साथ लगेगा एंड ये Cl है इसके साथ लगेगा। ठीक है, तो ये क्या बन के आएगा, एक बनेगा हमारा CH3Cl और एक बनेगा क्या HCl, इस तरह से बनेगा। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है क्या, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, ये भी ब्रेक हो सकता है, तो क्या होगा, ये जो CH3Cl फॉर्मेशन हुआ उसको लेके हम फिर से अगर करेंगे तो फिर से एक हाइड्रोजन ब्रेक होगा, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन भी है, हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, तो ये कंटिन्यू करता जाएगा। ठीक है, ये जो फ्री रेडिकल जो है ना वो स्टेबल नहीं होता है, वो चाहता है कि वो फ्री रेडिकल वो ट्रांसफर करते हुए जाएगा, खुद से स्टेबल होते हुए जाएगा। तो जहां पे भी फ्री रेडिकल मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये मतलब जैसे हम दिखा रहे हैं कि चारों बनेगा, यहाँ पे दो एंड यहाँ पे दो फ्री रेडिकल है, इतना ही है नहीं, एक हम एक जगह पे हम रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो वहां पे बहुत सारे फ्री रेडिकल होंगे, तो ये क्या रैंडमली अटैक करते हुए जाएगा, खुद को स्टेबल करने के लिए वो क्या करेगा, रैंडमली अटैक करते हुए जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, और एक और जो हाइड्रोजन तीनों है उसको भी ब्रेक कर देगा। देखो यहाँ पे Cl था, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन था, है कि नहीं, तो यहाँ पे फिर से अगर हम HNO के बैलेंस Cl2 दे रहे हैं Cl एंड Cl, तो क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है इसका फिर से होमोलिटिक फिजन होगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारा, C डॉट यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, ठीक है, और एक H डॉट निकला, फिर से क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से Cl डॉट आएगा, ये Cl डॉट एंड ये Cl डॉट मिल के क्या करेंगे, हम एक बॉन्ड बनाएंगे, तो ये क्या बन गया, CH, H, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl, और यहाँ पे H एंड Cl मिक्स होके क्या बनाएगा,
ये SCl बनेगा। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया, देखो था क्या CH3Cl, बन गया क्या CH2Cl। फिर से ये CH2Cl क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, देखो यहाँ पे और एक Cl के साथ बनाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा और एक हाइड्रोजन का फिजन होगा, है कि नहीं। तो फिर से एक S डॉट आएगा एंड इसके इस कार्बन पे एक डॉट आएगा, तो ये Cl के साथ मिलके क्या बनेगा, फिर से Cl 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 एंड H ये बनाएगा, ठीक है। और फिर से अगर हम देखें Cl2 तो ये क्या बनेगा, C Cl 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 एंड Cl, इस तरह से हो, समझ में आया। इस तरह से हमारा क्या होता है, जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है चारों के चारों हाइड्रोजन हट के हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम क्लोरीन का बना रहे हैं उस तरह से ब्रोमीन का भी होगा। अगर हम रिएक्टिविटी देखेंगे फ्लोरिन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन का, तो हमारे क्या होता है फ्लोरिन ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन तो रिएक्टिव मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो प्रिपरेशन मतलब स्टेबल नहीं होगा, तो क्या करें, क्लोरीन का हम देख रहे हैं ब्रोमीन का भी इस तरह से होगा, लेकिन इसको एनर्जी थोड़ी ज्यादा मतलब रिक्वायर्ड होगी। लेकिन आयोडीन के पास अगर हम आएंगे इस तरह से होगा, आयोडीन का होगा, लेकिन इसको क्या है एक रिएक्शन की जरूरत है, क्योंकि ये जो रिएक्शन होगा वो रिवर्सिबल होगा। अगर आयोडीन के केस को हम देखेंगे, देखो इस तरह से बता, देखो आयोडीन का अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास चार हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं, जिस तरह से हम क्लोरीन का कर रहे थे ब्रोमीन का तो इसी तरह से होगा, लेकिन आयोडीन का अगर हम आएंगे यहाँ पे आई टू अगर हम दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, सी एस थ्री आयन फॉर्मेशन करेगा। देखो इस तरह से हमारा क्या सी एस थ्री आई फॉर्मेशन करेगा, उसके साथ साथ एच आई भी फॉर्मेशन करेगा, लेकिन एच आई जो है क्या है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके ये फॉर्मेशन कर देगा। तो हमें जो चाहिए जो प्रोडक्ट वो रिक्वायर्ड हिसाब से हमें नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। तो हमें क्या करनी है, हम कोशिश करेंगे कि इस रिएक्शन को सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ला सके, कैसे करेंगे, हमें चाहिए यहाँ पे आयोडीन का कंसेंट्रेशन आइदर बढ़ाए और इसको कंसेंट्रेशन हम कमाए, है कि नहीं, इसको घटा सकते हैं और इसको बढ़ा सकते हैं, ये दो चीज हम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा रिएक्शन हमें चाहिए जो कि आयोडीन का कंसेंट्रेशन मतलब इंक्रीज कर रहा होगा एंड एच आई की कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे यूज करते हैं HNO3 हो या HIO3, ये सारी चीज हम ज्यादा यूज करते हैं। तो इस HIO3 को वाइडली यूज किया जाता है, क्यों, रीजन देखो यहाँ पे अगर हम HIO3 को देखेंगे उसके साथ जो HI है ये किस तरह से रिएक्शन करता है, देखो यहाँ पे क्या करेगा, अगर यहाँ पे होता है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI एंड ये रिएक्शन करके 3I2 बनाता है एंड उसके साथ साथ वाटर बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अगर हम HIO3 दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, जो भी HI मतलब प्रेजेंट होगा रिएक्शन में, रिएक्शन के बाद जो HI बनेगा उसको लेके ये क्या बनेगा, I2 बना रहा है। इसका मतलब क्या है, HI की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है एंड I2 का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो हमें जो चाहिए रिक्वायर्ड हमें प्रोडक्ट वो मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं I2Cl2Br2 इसको लेके हम हेलो एल्केन बनाते हैं, समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और भी सारे मतलब बहुत सारे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड उसके मेकानिज्म सारे के सारे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना।